Hey guys, good morning and welcome back to Rambling Boundaries. अभी निकल रहे हैं हम अपने ऑफिस के लिए. थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा गर्म मौसम है, मजा आ रहा है. और जो मैंने कल टायर डलवाया था उसका रिस्पॉन्स फिलहाल अभी तक अच्छा है, ना तो उसकी हवा उतरी है. कल से लेकर के अभी तक मैंने खड्डों में भी गाड़ी जो है रन किया है, तो गाड़ी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा अभी तक. अभी मेरा जो है बैटमैन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो आज मैं उसको बैटमैन को भी लगाऊंगा. क्योंकि लास्ट जब मैं दिल्ली गया हुआ था तो एक खड्डे में टायर गया मेरा गाड़ी का, और जैसे जंप बजा और वो बेचारा बैटमैन उछल के बाहर गिर गया. तो आज मैं अपना बैटमैन का काम कंप्लीट करूंगा और मैं जल्दी ही एक लंबा टूर करने वाला हूँ, तो उस पर फिर आपको पूरा प्रॉपर पता चल जाएगा कि गाड़ी का टायर ने क्या रिस्पॉन्ड किया हुआ है. अरे वाह, ये है टाटा की आपकी नेक्सॉन और जो है इलेक्ट्रॉनिक्स. मैंने सुना ये एवरेज वगैरह इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और आई थिंक ये लद्दाख भी जा कर के आ चुकी है. मैंने यूट्यूब में देखा था किसी का ब्लॉग. ये लो भाई, लाइटें हो गई है बंद और मेरे हिसाब से मुझे शॉर्टकट मारना पड़ेगा यहाँ से. अरे चल पड़ी भाई, चल पड़ी. अभी हुआ है अपना लंच टाइम और मैं काफ़ी टाइम से एक बाइक सर्च कर रहा था, तो आज मुझे वो बाइक मिली है, तो मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूँ और लेके चलता हूँ आपको भी अपने साथ. रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैंने बाइक क्यों ली है, और इवन मैं अभी सेकेंड हैंड बाइक ही देख रहा था काफ़ी टाइम से. तो आज मेरी जो सर्च है वो कम्प्लीट हो चुकी है. डन भाई. और मेरे साथ जा रहे हैं गर्चा सर. तो सर ने ही अपना डील फाइनल करनी है जो भी करना है आज. और इवन हम कल गाड़ी को देख के आ चुके थे, तो गर्चा सर बताएंगे रिव्यू गाड़ी कैसी थी. गाड़ी अच्छी थी, सुंदर थी. तो अभी मैंने उनको फ़ोन कर दिया जिनके पास हम कल देखने के लिए गए थे गाड़ी. तो गाड़ी चलाकर भी गर्चा सर ही लेके आएंगे. इवन गर्चा सर कहीं जा रहे थे अभी, तो मेरे लिए स्पेशली रुके हुए हैं. एम आई राइट सर? यस. आई आल्सो लाइक इट. यस यस. और इवन हमारे गर्चा सर नहीं है, गच्चू ब्रो हैं ये. तो मैं प्यार से गर्चा सर को गच्चू ब्रो बुलाता हूँ. लाइटिंग और ट्रैफिक, और इस टाइम थोड़ी गर्मी हो गई है ना. बिल्कुल. स्कूटर बाइक पे आने पे थोड़ी ठंड लगेगी, बट गाड़ी में जो है गर्मी लग रही है अभी. और अभी मैंने भैया को फ़ोन कर दिया हुआ है कि हम जिस जगह पे मिले हुए थे कल, और छोटा मोटा जो बयाना हमने दिया हुआ था, तो हम उसी जगह पे खड़े हुए हैं और भैया आने वाले हैं थोड़ी देर में. इस टाइम अच्छा है, पीछे हमारे स्कूल है. अच्छा लगा, मज़ा आया आपके साथ आके. सर आपकी क्या एज रहेगी वैसे? 63. तभी तो हम इनको गच्चू ब्रो बुलाते हैं. और मेन एक और चीज़ थी, गर्चा सर ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, और सर को पता ही नहीं है कि हमारा यूट्यूब चैनल भी है. तो मैं सर को अभी सर्च करवा रहा हूँ कि हमारा कौन से चैनल से नाम है. तो हमारा रैम्बलिंग आ तो गया था सर, रैम्बलिंग बाउंड्रीज, ये रहा पहले नंबर पर. तो अभी हमारा जो है चैनल एक सब्सक्राइब. सर सब्सक्राइब्ड हो आप? वेट ही कर रहा था आपका. आए मैं लाइट करके आ रहा यार. अच्छा अच्छा, हाँ मैंने सवेरे किया था आपको फ़ोन. तो ये है बाइक जो मैंने अभी लिया हुआ है. और भैया को मैं दिखाता हूँ जो डॉक्यूमेंट तैयार किए थे. इस पे बस नोटरियल होना बाकी है, और वो इंश्योरेंस 700 रुपया जड़ा वो लग. हाँ वो हाफ हाफ कर लेंगे. उन चक्कर है ना भाई, बहुत महंगे यार 1400. मैं समझ गया. हाँ जी, अपन जाए जी साहब जी गल करते भाई. नहीं लगे यार, तभी मैंने आपको बोल दिया कि आपने 1400 बोला, मतलब 700 भाई आधा मैं कर देता हूँ, ताकि आपके ऊपर भी बर्डन ना आए. दोनों आ जाए ना भाई. हाँ जी, पूरे मारना. तो एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है जो हम कंप्लीट कर रहे हैं. या तो आप चल पड़ो या तो आधार कार्ड चला जाएगा. ना, ना, ऐसा नहीं होता. साइन करवा ले. अच्छा, फिर ओटीपी आएगा फोन पे. बाकी आरसी आएगी ना. जो होता है जिद्दां थोड़ी फाइल कंप्लीट हो जानी है, ओदे बाद उत्थे देखना कि स्लॉट किदां दा बिल. चलो भाई मेरी गल सुनो, कोई अपन वो चक्कर नहीं. जिवें तुहानूं जिवें जिस तरह जिहड़ा डेट सही लगूंगी, ठीक है, जिवें तुसीं फ्री होवोंगे उदा दस दिओ मैनूं. ठीक है, पुछ लिओ भाई, क्योंकि मेरी ड्यूटी ना एक दिन नाइट हुंदी है, एक दिन समझ गया. रोटेशनल शिफ्ट है, रोटेशनल शिफ्ट है मेरी. चलें फिर, अपना लंच टाइम भी ओवर हो चुका है. भाई आरसी मैंने दे दी ना. हां जी हां जी हां जी भाई, 23 से पया था मेरे ख्याल तो डेट 1 लीटर. ठीक है जी, तुम देख लो मेरे का कट ना गया, हल्का जा सोई. ठीक है, आज सवेरे तक तेल पवा लो. ठीक है, ओके ओके. तो अभी जो है अपनी बाइक आ चुकी है, पल्सर 180 ब्लैक कलर. घर सर कैसा फील हो रहा है? बढ़िया, मस्त एकदम.
यहाँ पे थोड़ा सा रोड कंजस्टेड है, रिव्यू के चक्कर में गाड़ी ठुक जाती मेरी अभी। फुल पावर, फुल पावर। तो ये रही है हमारी पल्सर 180। अब शाम के टाइम देखता हूँ दोनों चीज़ें घर लेके जानी कैसे है। अभी हो चुकी है अपनी छुट्टी और मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर, बाइक ये खड़ी है बाहर, बाहर है बिल्कुल अंधेरा, दिखाई नहीं देगी आपको। और मैं कर रहा हूँ अपने छोटे भाई का इंतजार। मैंने उसको बता दिया था कि मैंने आज बाइक ले ली है। बाइक लेने का जो मेरा रीज़न है वो ये था कि मैंने जो बाइक है ये छोड़ दी है दिल्ली जा करके मम्मी पापा के लिए, और थोड़ा वहाँ पे घूमने फिरने के लिए जो है बाइक उनके लिए काम आ जाएगा, तो मैंने उनके लिए बाइक लिया अभी। और तो मैं दिल्ली जाऊँगा बाइक लेकर के आने वाले टाइम पे एक या दो हफ्ते में, क्योंकि इसका जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट करवाना है। तो ये रीज़न था मेरा बाइक लेने का मेन। और छोटा भाई मेरा आ चुका है बाहर, आजा भाई, तेरा वेट हो रहा था। इसका ना एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो सुई है वो थोड़ी टूटी हुई है, तो इसकी मैं कल सेटिंग करवाऊंगा कि ये कैसे सेट होएगी। स्टार्टिंग ठीक है यार, इससे पहले 220 था मेरे पास, तो अच्छा फील हो रहा है फिर से कि अपने पास अपने साथ पल्सर फिर से जुड़ चुका है। तो अभी लगभग 2-3 किलोमीटर में बाइक चला के लेके आया हूँ खुद, और बाहर बहुत ज्यादा ठंडे, मेरे हाथ और कान पूरे ठंडे पड़े हुए हैं। और अभी मैंने छोटे को दे दी फिर से बाइक चलाने के लिए, क्योंकि मैंने हेलमेट नहीं डाला होता तो मैं देख रहा था बाइक का क्या रिस्पांस है। तो बाइक मस्त है चलने के लिए, छोटा मोटा काम है करवाने के लिए, तो वो मैं करवाऊंगा अभी आने वाले टाइम पे। तो बाइक को पूरा टिच करेंगे और फिर उसके बाद जो है इसका आगे प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पर बाहर बहुत ही भयानक ठंड है, मेरे हाथ अभी तक सुन्न पड़े हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर। तो बाइक चलाने वालों के लिए तो भाई हालत ख़राब है इस टाइम, बिना हेलमेट और बिना ग्लव्स के तो बाइक मतलब ही नहीं आप चलाओ, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आपको लेके चलता हूँ मैं अपने घर और दिखाता हूँ आपको दोनों बाइकें खड़ी हुई कैसे लगती है। तो चलो फिर चलते हैं। अभी अपनी दोनों बाइकें पहुँच चुकी है अपने घर। अब कल आने वाले टाइम पे मैंने इसकी सीट कवर डलवाने, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फटा हुआ है। और ये रही हमारी दोनों, तो ये भी जल्दी ब्लॉग में आएगी। तो ये है हमारी R15 V3, अभी अपने साथ जुड़ चुकी है पल्सर 180। और अब करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ और करते हैं कुछ धमाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग आज का पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैम्बलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद।